तो हेलो दोस्तों, आप सभी मेरे सामने देख सकते हैं एडजी की नई ऑल न्यू एडवेंचर जो बाइक अभी एडजी ने लॉन्च किया है, जो कि आपको जावा के शोरूम वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एडजी की बाइक खड़ी हुई है एडवेंचर, और इसका आज हम वर्क अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। तो चारों साइड से आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये बाइक नज़र आती है। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको एडजी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और ये पूरा मेटल में दिया गया। यहाँ पर आपको स्टिकर वगैरह में ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डार्क मेट ब्लू में हो जाता है और एक हो जाता है लाइट ब्लू में। तो और यहाँ पे आपको टैंक पैड भी वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एडजी का वाई लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि आप इस पे देख सकते हैं पेट्रोल टैंक पे। उसके बाद चले तो यहाँ पे भी आपको ये स्टिकर में देखने को मिल जाता है, और इस साइड से अगर आप देखें तो लेजेंडरी एडजी लिखा हुआ यहाँ पर स्टिकर में देखने को मिल जाता है। और कलर जो है ग्राफिक्स दोनों साइड में आपको इसी तरह का देखने को मिलते हैं, और ये जो आप टैंक पैड देख रहे हैं आपको इस साइड में भी टैंक पैड देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ है। और फ्रंट से अगर हम देखें तो इसको अभी अच्छे से और भी डिटेल्स में हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी एक बार आप फ्रंट से इसका लुक देख लीजिए कि किस तरह से ये नज़र आती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। एडजी आपने देख लिया कि एडजी है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि एडवेंचर का हम वर्क अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रंट से स्टार्ट करें तो आपको ये एडवेंचर के लिए आपको एक अच्छा सा विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, हालांकि ये एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे भी आपको एडजी का वाई का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि स्टिकर में। और उसके बाद चले तो यहाँ पे आपको मड गार्ड के लिए फ्रंट सा बड़ा सा लॉन्ग सा फेंडर देखने को मिल जाता है, क्योंकि एडवेंचर बाइक है तो जो डस्ट वगैरह कीचड़ वगैरह वो लाइट पर ना जाए, इसके वजह से ये दिया जाता है। और यहाँ पर चले तो एक आपको मड गार्ड देखने को मिल जाता है। ये आई थिंक ये आप इस बार साउंड सुनिए इसका एक बार, तो ये आपको मेटल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ये आपको बड़ा सा व्हील देखने को मिल जाता है, और इसमें 90x90 21 सेक्शन के आपको ट्यूब टायर देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो C8 का आपको टायर देखने को मिलता है, C8 का जेपर XLF देखने को टायर इसमें मिल जाता है, बेबरिक ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, और ये आपको ऑफ रोड टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एडवेंचर के लिए काफ़ी अच्छा ग्रिप आपको इसमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छे इसमें बीट दिए रहते हैं, जो आपको ऑफ रोडिंग वगैरह में काफ़ी इजीली आप इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बड़ा सा आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, डुअल डिस्क के साथ आता है, डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, और इस साइड में चले तो आपको बड़ा सा एक टेलीस्कोपिक फोर्स सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये कवर किया गया है जिससे डस्ट वगैरह इसमें नहीं जाएगा। भी आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो येलो कलर के ये ब्लिंक करते हैं, और ये आपको वाइट। और थोड़ा इस साइड में चले तो यहाँ पे आपको इंजन वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि रॉयल इनफील्ड से तगड़ी इंजन आपको इसमें देखने को मिलती है, ज़्यादा BHP आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि रॉयल इनफील्ड को अच्छा खासा टक्कर दे देता है। और आपको अच्छा खासा आपको इसमें BHP वगैरह देखने को मिल जाता है, टॉर्क और पावर वगैरह अच्छा खासा इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको रेडिएटर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा इसमें आपको जो इंजन गार्ड है वो देखने को मिलता है, और इसमें जो इंजन स्पेक्स और पावर वगैरह है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। और ये पूरा मेटल का दिया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये पैरों में ये टच ना हो, जिससे ये अगर हीट भी होता है तो आपके पैर वगैरह सेफ़ रहेंगे। तो ये मेटल का आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ भी मेटल देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको मेटल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर चले तो आपको फुट पैक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ रोड टाइप का इसमें फुट पैक्स लगाए गए हैं, जिसे आपके जो पैर है वो स्लिप ना खाए, ग्रिप इस पर अच्छा से बना रहे, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ भी आपको मेटल का ये देखने को मिल जाता है साइलेंसर के ऊपर में। और यहाँ पे चले तो यहाँ पे आपको एडवेंचर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है स्टिकर में ये, और इसमें ग्रे और ब्लैक कलर का फिनिशिंग दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आप अपना लगेज वगैरह सेट कर सकते हैं, जिसके वह यहाँ पर स्पेस दिया गया। और एसेसरीज के बारे में बात करें, जैसे लगेज हो गया या टॉप बैग हो गया, तो टॉप रैक वगैरह में यहाँ पे आप एसेसरीज की बात करें तो ये आपको जो सर्विस सेंटर है वहाँ से ऑफ़र की जाएगी। अभी हालांकि कंपनी प्राइस वगैरह कुछ नहीं अनाउंस बता रहे हैं, बट ये है कि आपको शोरूम वगैरह में भी ये कुछ टाइम बाद ऑफ़र कर दी जाएगी। तो आप अगर इस बाइक को लेते हैं तो आपको लगेज वगैरह भी इसके साथ दे दिया जाएगा, उसके लिए अलग से आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये हो जाता है साइड बॉक्स में लगाने के लिए, लगेज कैरी करने के लिए, और यहाँ से भी आप लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं। ये आपका टॉप बॉक्स के लिए हो जाता है, जिसे आप यहाँ पे अपना टॉप बॉक्स रख सकते हैं। अब बात करते हैं सीट पोजीशन, तो सीट पोजीशन काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल देखने में लग रहा है।
और इसको बनाया गया है। ओवरऑल लुक देखें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसा ही इसको बनाने की कोशिश की गया है। बस थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स और थोड़े से डिज़ाइन में हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा, अदरवाइज उसी का लुक आपको इसमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड में यहाँ पर आपको काम वगैरह देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया गया है। तो ये एक है, बाकी अगर यहाँ पर चलें तो यहाँ पर आप ये जो देख रही है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं और ये साथ में एडजस्ट भी होते हैं। यहाँ से आप इसको खोलेंगे इस साइड से तो ये थोड़ा सा अप और डाउन होता है, एक इंच का इसको आप अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे चलें तो इस साइड में आप देख सकते हैं हैंडल बार में, तो यहाँ पे आपको मैनुअल वगैरह ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ है। इसमें आप फ़ोन वगैरह सारा कुछ रिसीव कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। तो इस साइड में आप देखें तो इस तरीके से कुछ नज़र आती है, और इस साइड में आपको राइट साइड में आपको इंजन फ्यूल स्विच, हजार्ड लाइट और सेल्फ स्टार्ट का देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको अप डाउन सेट मैनुअल और इंडिकेटर और पास का स्विच देखने को मिलता है। इसमें आपको चार्जर भी मिलता है जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, बट ये है अभी टेस्ट राइड वाली ये मॉडल है तो यहाँ पे इसमें खुला हुआ है, बट जब आप बाइक लेंगे एडवेंचर तो इसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, चार्जर आपको इसमें मिल जाएगा। और इस साइड से चलें तो आप इंजन तो देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर देखें तो सिंगल हॉर्न आपको देखने को मिलता है। तो फ्रंट में आपको जो है टेलीस्कोपिक फोर सस्पेंशन मिलता है, और रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मोनोक्सोक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। मैं नीचे से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, तो यहां पे आपको इस तरीके से सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो अब बैक साइड में चले तो यहां पे आपको एलईडी इंडिकेटर और एलईडी टेल लैंप भी देखने को मिलता है, यहां पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, और ये बैक साइड से कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है। बैक साइड में टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपर एक्सेल का टायर आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि 130x80/17 सेक्शन के आपको ट्यूब टायर देखने को मिल जाते हैं। नायलॉन का है, C8 का आपको ट्यूब टायर देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं। हालांकि ओवरऑल बाइक जो है काफ़ी अच्छा आपको कंपिटेटर नज़र आती है रॉयल एनफील्ड हिमालयन के तौर पर।